नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है कौल लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इग्नू के जून 2021 के टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, और आपके दिसंबर 2020 के टर्म एंड जो रिजल्ट की अपडेट है उसके बारे में, और डिफरेंट रीजनल सेंटर से आज की डेट में बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी बात करेंगे। उसके बारे में पूरा डिटेल में मैं बताऊँगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस इग्नू से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म एंड एग्ज़ाम फॉर्म जून 2021 के बारे में, अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट किया गया। और उससे पहले, ये बात करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं, व्यूज़ देते हैं हमें, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। काफ़ी सारे स्टूडेंट वॉच करते हैं हमारे चैनल को। देखिए आप नॉट सब्सक्राइब जो हैं 88% लोग जो है देखते हैं, तो उनको लगता है ये न्यूज़ अथेंटिक है कि नहीं है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जो भी न्यूज़ मैं देता हूं, जो भी अपडेट देता हूं आप वेरीफाई कर सकते हैं, सारी न्यूज़ अथेंटिक होती है। तो आप इसमें बिल्कुल भी दो राय मत रखिए कि ये न्यूज़ अथेंटिक नहीं है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और जो सब्सक्राइब हैं, केवल 11% जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे वॉच टाइम देते हैं, हमें जो वॉच आवर्स देते हैं, वो केवल 11% है। तो आप देख सकते हैं। तो आप लोग जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी न्यूज़ जो है आपको अथेंटिक मिलेंगी, बिल्कुल भी आपको, मैं कमेंट का जवाब इसलिए देता रहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज़ को लेके। तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इसमें देने वाला हूं। तो दोस्तों अब बात करते हैं, सबसे पहले एग्ज़ाम फॉर्म अभी तक नहीं स्टार्ट किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार सवाल कर रहे हैं इस एग्ज़ाम फॉर्म को लेके, क्योंकि दोस्तों अभी मैं बताऊं, रिसेंटली कई सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए। सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो आपका UGC नेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है ड्यू टू COVID-19, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। आप लोग सेफ रहिए, आपको पता ही होगा, न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, माध्यम अवेलेबल है जिसे आप देख पा रहे हो। उसके बाद आपका UGC नेट का भी, UGC जो है JEE Mains का भी रिसेंटली एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी जो अभी HRD मिनिस्टर हैं ये, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर, तो उन्होंने ये ट्वीट किया था अपने ट्विटर हैंडल पे, तो ये कैंसिल हो गया है। तो लगातार कैंसिल नहीं हुआ, सॉरी पोस्टपोन हुआ है। तो अभी ये सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए ड्यू टू COVID-19, और भी बहुत सारे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं वो भी कैंसिल हो गए हैं। तो इग्नू अभी ये डर रहा होगा, मे बी उनको ये फियर होगा कि अभी अगर हम एग्ज़ाम फॉर्म भरवा लेते हैं तो मे बी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, नहीं करवा गया। तो जैसा कि पहले नोटिफिकेशन में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि प्रोफेसर नागेश्वर राव जी ने, जो वाइस चांसलर हैं, कि अगर ऐसा कुछ गाइडलाइन आएगा तो केवल हम फाइनल ईयर का ही एग्ज़ाम करवाएंगे। अगर फाइनल ईयर का एग्ज़ाम करवाएंगे तो जो अभी जुलाई 2019 में प्रमोशन का गाइडलाइन आया था उसमें क्या था कि आप सेकंड ईयर के बेस पे फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट किए जाएंगे, और जिनका सेकंड ईयर होगा वो फर्स्ट ईयर वाले तो बेस पे जो प्रमोट होना था वो तो प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन जो उनका सेकंड ईयर के बेस पे प्रमोट होना था उनका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो उनको, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर अभी जिनका फर्स्ट ईयर है जून 2021 का, वो भी एग्ज़ाम फीस भर देंगे, और जिन्होंने ऑलरेडी अपने एग्ज़ाम फीस भरे हुए हैं, जिनको एडजस्ट करना है, तो काफ़ी हौज पौज हो जाएगा। काफ़ी डर रहे हैं ये भी कि अभी कोई गाइडलाइन आए एग्ज़ाम के लिए तो फिर हम करवाएं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन है, अभी एग्ज़ाम होना बहुत ही मुश्किल है। और ये जो एग्ज़ाम जून जुलाई में होने वाला था, 15 जून से स्टार्ट था, अभी जो डेट शीट आई थी, तो उसको आप बिल्कुल ना के बराबर मान के चलिए, क्योंकि जून में तो पॉसिबल ही नहीं है अभी एग्ज़ाम कराना जिस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 1.5-2 महीने एग्ज़ाम फॉर्म भरने में लगते हैं, आपको पता ही है इग्नू में कितना लंबा प्रोसेस चलता है। लेकिन अभी आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, ये अभी सिचुएशन सभी के साथ ये कंडीशन है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, पहले इस पर ओवरकम करना पड़ेगा हमें, उसके बाद फिर चीज़ें जो होंगी स्ट्रीमलाइन हो पाएंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। एग्ज़ाम ये जाएगा आपका सितंबर में भी, जैसे पिछली बार सितंबर में हुआ था, सितंबर में भी जा सकता है ये एग्ज़ाम। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, अभी एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट मुश्किल से ही हो पाएगा, ठीक है। अगर होगा भी तो हो सकता है जून में हो,
अगर स्टार्ट भी करेंगे तो कोई प्रोसीजर ऐसा बनाएंगे कि बहुत ज़्यादा हौज पौज ना हो, क्योंकि पिछले वाला भी एग्ज़ाम फीस एडजस्ट करना है, अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुए तो इसको भी एडजस्ट करना है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा इनको। तो अभी आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो और अपना तैयारी जारी रखें, बस मैं यही कहूँगा। अब नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। बहुत सारे रीजनल सेंटर लगातार अपडेट कर रहे हैं कुछ भाई साहब, कुछ रीजनल सेंटर ऐसे हैं कि बिल्कुल समझ लीजिए जीरो हैं, एकदम कुछ करते ही नहीं अपडेट, उनको कसम खा रखी है उन्होंने कुछ अपडेट करने के लिए। स्टूडेंट बार बार सवाल करता है कि असाइनमेंट की अपडेट नहीं है कुछ, वो तो एकदम नीली हैं, उनको तो कुछ कहना ही बेकार है, कोई अपडेट नहीं, जैसे कि वहाँ स्टूडेंट ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, घर से भी कुछ अपडेट तो कर सकते हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, कुछ अपडेट दें स्टूडेंट को। इस समय इतना सारा चीज़ें फैली हुई हैं, न्यूज़ आ रही हैं कि सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, बट कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो अपडेट्स आई हैं लगातार मैं उनको बता देता हूँ, आप बस देख लीजिएगा अपने रीजनल सेंटर जिससे आप बिलोंग करते हैं, मैं पहले कहता हूँ आप देखते रहिए। ठीक है, पहला अपडेट आरसी अलीगढ़ से, उन्होंने ये री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, अपना री रजिस्ट्रेशन 15 जून तक कर सकते हैं, मे बी डेट एक्सटेंड ना हो या ना हो, उन्होंने कहा है लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे, आप जल्दी जल्दी अपना री रजिस्ट्रेशन कर लिए। जो एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट आरसी अलीगढ़ से ही है, ये एमएपीसी के लिए प्रोजेक्ट के लिए गाइडलाइन जारी की है, इसको आप जो भी एमएपीसी के स्टूडेंट हैं इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और जो भी चीज़ें बोल रहे हैं वो जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं, आरसी चेन्नई की तरफ से काफ़ी बड़ी अपडेट आई है, आज की ही अपडेट है, उन्होंने आरआर जनवरी 2021 के लिए, जिन्होंने आरआर के लिए अपना फॉर्म भरा था, आरआर किया था सेकेंड ईयर में, उनके लिए 815 पेज की जो है उन्होंने एक कन्फर्मेशन सीट जारी की है, जिसमें सभी स्टूडेंट का इसमें नाम है, इनरोलमेंट नंबर है, उनका सेकेंड ईयर जो भी प्रोग्राम है वो मेंशन है, उनका स्टडी सेंटर मेंशन है, सब वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि अपने स्टडी सेंटर पे असाइनमेंट सबमिशन के लिए प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे आपको विजिट करना है, पूरा डिटेल मेंशन कर दिया, हर एक पेज पे 815 पेज का पेज है, हर एक पेज में एक स्टूडेंट की डिटेल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आरसी चेन्नई रीजनल सेंटर से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं ये फाइल डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, तो यहां पे देख सकते हैं आरआर जनवरी 2021 के लिए पूरा डिटेल मेंशन कर दिया गया। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं, आरसी डेली 2 की तरफ से, आरसी डेली 2 की तरफ से एक ओपन लेटर जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सभी स्टूडेंट जो है जो भी इस रीजनल सेंटर से बिलोंग करता है, जैसे एडमिशन की, रीएडमिशन, रीरेशन की क्वेरी है तो इस वाले ईमेल पे कांटेक्ट करेंगे, एग्जाम रिलेटेड इस वाले ईमेल आईडी पे, असाइनमेंट रिलेटेड इस वाले ईमेल आईडी पे, सभी का कंसर्न एक ईमेल आईडी दे दिया गया, जनरल क्वेरीज या फिर प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस के लिए ईमेल आईडी दे दिया है, स्टडी मटेरियल रिलेटेड ईमेल आईडी दी, बाकी और भी चीज़ें लिख दी हैं कहाँ कहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की भी मेंशन कर दी, असाइनमेंट सबमिशन की, प्रोजेक्ट सबमिशन की, आपकी आरआर की डेट्स मेंशन कर दी उन्होंने, सिनॉप्सिस के लिए उन्होंने ईमेल आईडी दे दी है, तो ये सारी डिटेल काफी इंपॉर्टेंट है आरसी डेली 2 के स्टूडेंट्स के लिए, इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं, आरसी अगरतला से काउंसलिंग की एक शेड्यूल जारी की गई है, जो कि शुरू है आपके 9 मई से, तो आप इसको देख लीजिएगा आप जो भी आरसी अगरतला से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं, नेक्स्ट अपडेट आरसी बीजापुर की तरफ, उन्होंने भी काउंसलिंग की शेड्यूल जारी की है जनवरी 2021 के लिए, आप देख लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्लिक करके लिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आरसी डेली 3 की तरफ से आरआर की अपडेट दे दी गई है। ठीक है, आरसी भागलपुर की तरफ से जो है वहाँ पे एलएससी का कांटेक्ट डिटेल दे दिया गया, यहाँ पे जो भी आरसी भागलपुर से बिलोंग करता है यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल डाउनलोड कर सकता है। आरसी जो है हैदराबाद की तरफ से एमएपीसी के लिए गाइडलाइन जारी किया है, तो वो आप गाइडलाइन देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं, आरसी जम्मू की तरफ से 3-4 अपडेट्स की गई हैं, आप इसमें एमएलआईएस के स्टूडेंट हैं जो एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने जो सेमिनार एग्जामिनेशन के लिए गाइडलाइन जारी की, उसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं, नेक्स्ट अपडेट जो है एमएपीसी के स्टूडेंट्स के लिए आरसी कोलकाता की तरफ से गाइडलाइन जारी की है, उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं, आरसी मुंबई की तरफ से है इंडक्शन मीटिंग का गाइडलाइन जारी किया है जनवरी 2021 के लिए, यहाँ से आप लिस्ट डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, इसमें डिटेल अवेलेबल है। ठीक है, ये देखिए सारी डिटेल्स हैं, आज से ही स्टार्ट है, जो भी जिस भी प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। आरसी नोएडा की तरफ से इंडक्शन मीटिंग के लिए वीडियोज़ बना के यूट्यूब पर डाल दी गई हैं, यहाँ पे चैनल है, यहाँ पे इसको देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, आरसी जो है विशाखापट्टनम तरफ से जो है री रजिस्ट्रेशन की डिटेल डाल दी गई है, आप री रजिस्ट्रेशन डिटेल देख सकते हैं, वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। ये सारी अपडेट थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी खासकर एग्ज़ाम को लेके, तो एग्ज़ाम फॉर्म के लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप वेबसाइट देखते रहें, मैं अपडेट जरूर देता रहूँगा। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।